हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश और मैं आप सबका स्टडी शार्प 360 में स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ हाई लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पार्ट। इसमें हम देखेंगे कि जो कुछ अलग तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं जिसको बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, तो वो कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले आप ये फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता होंगे तो। ए रेस टू एम मतलब, जैसे कि अगर आपको कोई कुछ भी दिया गया हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू फाइव, तो ये क्या होता है, एक्स रेस टू सेवन होता है। मतलब इन दोनों का एडिशन हो जाता है, ना कि मल्टीप्लिकेशन। बहुत बार बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, 10 कर देते हैं एक्स रेस टू, तो ये गलत है। अगर इस तरह का दिया जाए, मतलब एक्स रेस टू थ्री अपॉन एक्स रेस टू नाइन ऐसा दिया जाए तो बच्चे डिवाइड कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। ये माइनस कर देना है, मतलब एक्स रेस टू थ्री माइनस नाइन ऐसा होगा वो। ओके, और अगर ये बात आप ध्यान में रखिए कि ए एक्स रेस टू टू रेस टू टू ऐसा अगर दिया गया है तो वो क्या होता है, एक्स रेस टू टू और उसका रेस टू टू, मतलब एक्स रेस टू दो का स्क्वायर चार, दो और दो तो वैसे ही चार ही होते हैं। एक्स रेस टू थ्री का क्यूब अगर ऐसा दिया जाए तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, एक्स रेस टू थ्री और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर ऐसा नहीं। ये क्या होगा, एक्स रेस टू थ्री का क्यूब, मतलब 27 होगा। पर अगर आपको ऐसा ब्रैकेट में दिया जाए, मतलब एक्स रेस टू थ्री और उसका होल क्यूब, तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एक्स रेस टू नाइन होगा। और ये एक देखिए, अंडर रूट में अगर कोई भी आपको दिया जाए, जैसे कि एक्स रेस टू सिक्स दिया जाए, तो उसका वैल्यू क्या होता है, एक्स रेस टू सिक्स बाय टू मीन्स एक्स रेस टू थ्री। मतलब अंडर रूट में अगर कुछ भी पावर वाली वैल्यू हो तो उसको दो से डिवाइड करके वो पावर लिखनी है आपको। ओके, तो ये सब फॉर्मूलों का यूज़ आपको करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करने हैं। पहला प्रश्न देखिए, फोर रेस टू एक्स रेस टू टू डिवाइडेड बाय फोर रेस टू एक्स होल स्क्वायर रेस टू वन बाय एक्स इज इक्वल टू 64। और यहाँ पर क्या दिया है, वाई की वैल्यू में वन बाय नाइन रेस टू वाई और वन बाय थ्री रेस टू टू मतलब स्क्वायर। तो ये कैसे सॉल्व करना है आपको, सिंपली आप क्या कीजिए, फोर रेस टू एक्स रेस टू टू ऐसा लिख लीजिए। ए डिवाइड में क्या आएगा, फोर रेस टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टू एक्स आएगा और इसका वन बाय एक्स इज इक्वल टू 64। तो ये क्या आएगा, फोर रेस टू एक्स स्क्वेयर और ये माइनस में आएगा, ये चार चार सेम है तो इसलिए आप ये डायरेक्ट ऊपर लेके जाइए 2x को, और फिर इसको आपको पावर आएगी 1 बाय एक्स और इज इक्वल टू 66। अब ये इंटू 1 बाय एक्स होगा इस ये जो पावर है चार की उसमें, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक से तो एक से ये स्क्वायर कट जाएगा और ये एक्स कट जाएगा, फिर क्या आएगा, ए फोर रेस टू एक्स माइनस टू। ओके, और ये 64 क्या होता है, चार का क्यूब होता है, और यहाँ पर चार और यहाँ पर भी चार, तो दोनों की एक्स जो है वो पावर में है, तो यहाँ की पावर और यहाँ की पावर बिल्कुल सेम होती है अगर इज इक्वल टू का साइन हो और एक ही नंबर हो, तो जो पावर है वो सेम होती है। तो यहाँ पर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा,
मीन्स एक्स इज इक्वल टू, ये दो इधर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 ये वैल्यू मिल गई एक्स की। अभी यहाँ पर कैसे निकालना है, तो ये 1/9 क्या होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता ही है, रेस 2 है। और ये यहाँ पर ये 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कर दीजिए, फिर आपको ये 3 स्क्वायर और यहाँ पर भी 3 स्क्वायर, दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो सेम मिल जाएगा। फिर क्या कीजिए आप, ये जो 3 है, 3 स्क्वायर है वो ऊपर जाएगा, तो वो 3^-2 हो जाएगा, और ये (y) तो ये ब्रैकेट में इसलिए इसका मल्टीप्लाई आएगा, तो ये 3^-2y हो जाएगा, और ये 1 तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 3 स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो 3^-2 हो जाएगा। तो ये पावर कंसिडर करेंगे हम y की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये 3 सेम है, तो (-2y = -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और अगर इस तरह का प्रॉब्लम दिखा देखने को मिले तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये तो एकदम आसान सा प्रॉब्लम है। सिर्फ ये देखिए कि ये 2 जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√17, और फिर आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन ये हो और एडिशन ये हो, तो आपको क्या ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10 और √17 इनका मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा और एडिशन तो ये ऑलरेडी होने वाला है। तो फिर माइनस और प्लस ये अगर साइन होते हैं तो क्या आता है, इसके फैक्टर प्लस प्लस आते हैं, तो +10 और √17 ये आसानी से हमको मिल गया। ये प्रॉब्लम मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, पर ये स्किप करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्स की तो दो वैल्यूज़ हमको मिल गई यहाँ पर बड़ी आसानी से, और उसी तरह पर ये दो जो है इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उससे डिवाइड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो एक्स की वैल्यूज़ क्या आएगी, 5 और √17/2। उसी तरह ये यहाँ पर देखिए, ये 6 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 30√17 हो जाएगा, और ये एडिशन आना चाहिए और ये मल्टीप्लिकेशन, तो 10 × 3 = 30 होते हैं, तो इसके यही फैक्टर आने वाले हैं। वैसे तो हम 30 और √17 भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है तो हम वही लेंगे, तो ये 10 और 3√17 ये इसके फैक्टर रहेंगे। प्लस माइनस है तो माइनस प्लस है तो फिर दोनों प्लस में ही आने वाले हैं। ओके, और ये जो कोएफिशिएंट है 6 उससे अगर डिवाइड करते तो फिर आपको क्या मिलेगा, 5/3, और ये 3 से ये 2 में पार कट जाएगा, √17/2 या गई y की वैल्यूज़। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये 4. something ऐसा आएगा, तो ये 2. something ऐसा आएगा, और ये भी 2. something जैसा आएगा, और ये क्या आएगा, 1.67। 3 से एक बार डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 बचेंगे, तो फिर हमको क्या देखने मिलेगा, ये और ये तो सेम है, तो एक सेम आ गया, ये 2 इससे बड़ा है, इससे बराबर है, और 5 तो इन दोनों से बड़ा है, तो फिर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ये इसका आंसर आएगा। ओके, अब ये वाला प्रॉब्लम देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको उसी तरह फॉर्मूले से सॉल्व करने हैं जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताए। ओके,
एक्स टू रेस टू एक्स प्लस फोर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो टू रेस टू एक्स इंटू टू रेस टू फोर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, जो पहला वाला है वही। तो ये प्लस में अगर है पावर तो मल्टीप्लिकेशन होता है, ओके। और ये क्या आएगा, टू रेस टू एक्स इंटू टू रेस टू थ्री प्लस फोर। फिर ये आप इधर लेके आइए तो फिर क्या होगा, ये टू की पावर एक्स इसमें से कॉमन निकल जाएगी, और टू रेस टू फोर क्या होता है, सिक्सटीन, वो आ जाएगा। और ये माइनस, ये इधर अगर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस टू की पावर थ्री एट होता है, ओके। और इज इक्वल टू ये चार बच जाएगा, तो ये क्या आएगा, टू रेस टू एक्स, और ये एट अगर फोर से डिवाइड कर दिया जाएगा तो फिर ये वन बाई टू आ जाएगा, ओके। और वन बाई टू को हम क्या लिखते हैं, टू रेस टू माइनस वन, तो ये दो और ये दो मिल गए। तो पावर अगर देखे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये हमको मिल गया इसका आंसर, मतलब एक्स की वैल्यू, ओके। अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको वो टॉपिक में वापस एक्सप्लेन करवा दूंगा। ये वाला देखिए, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, ये तो बड़ा ही आसान है। ट्वेल्व रेस टू वाई और ये थ्री रेस टू वाई है, इसको अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, थ्री रेस टू वाई। और टू रेस टू एट का रूट मतलब क्या होता है, टू रेस टू फोर, मतलब अंडर रूट में अगर ए रेस टू एन है तो ये क्या होता है, ए रेस टू एन बाय टू। ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी अभी। तो ये क्या होगा, 12 बाई थ्री होल रेस टू वाई इज इक्वल टू टू रेस टू फोर क्या होता है, 16 होता है। ये कट जाएगा, ये चार आ जाएगा, तो फोर रेस टू वाई इज इक्वल टू ये 16 क्या होता है, चार का स्क्वायर होता है। तो मिल गया हमको चार चार मिल गए, और पावर में अगर देखें तो y इज इक्वल टू टू, ओके। तो क्या आएगा हमारा आंसर, x इज लेस देन y, ओके। बड़ा ही आसान है, स्किप करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये वाला प्रॉब्लम देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम में बच्चे क्या करते हैं, ये अंडर रूट है, रूट है, तो सबसे पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं, फिर ये 36 बचेगा, ये 64 बचेगा, फिर उनको ऐड करेंगे, फिर उनमें से 180 माइनस करेंगे। तो ऐसा करने से आप गलत हो जाओगे। इसको आपको कैसे करना है, तो ये रूट एक्स प्लस 180, और ये डायरेक्ट लिख लीजिए, इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 36 का तो स्क्वायर रूट 6 होता है, 64 का 8 होता है। फिर ये आगे यहाँ पर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसका स्क्वायर कीजिए, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट का साइन हट जाएगा, एक्स प्लस 180, और ये 14 का स्क्वायर होता है 196। फिर इसमें से अगर आप 180 को घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा आपके पास, एक्स की वैल्यू 16, ओके। और इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो डिवाइड में क्या है, रूट वाई यहाँ पर, तो वाई रेस टू वन बाय टू होता है, मतलब ये वाई रेस टू वन है रूट में, तो ये बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, वाई रेस टू वन बाय टू। वही फॉर्मूला, अंडर रूट ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन बाय टू। और ये वाई रेस टू वन बाय टू से अगर हम पूरे होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये यहाँ पर वाई रेस टू वन बाय टू, यहाँ पर भी वाई रेस टू वन बाय टू, यहाँ पर भी वाई रेस टू वन बाय टू करेंगे, ये तो जीरो रहेगा,
यहाँ पर ये कट जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा y रेस्ट टू 1/2 और y स्क्वायर, तो ये y रेस्ट टू 2+1/2 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है a रेस्ट टू n इंटू a रेस्ट टू m इज इक्वल टू a रेस्ट टू m प्लस n, ये ऐसा होता है। तो फिर 2+1/2 क्या आएगा y रेस्ट टू 2/5, 2+ 1/2 मीन्स 5/2 या फिर 2/5 2.5 जो चाहिए आप लिख सकते हो। और ये माइनस क्या आएगा 16 रेस्ट टू 5/2 मीन्स 2/5 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस अगर उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कोई भी जो पावर है वो सेम है 2 रेस्ट टू 5 2 रेस्ट टू 5, मतलब y की वैल्यू हमें मिल गई 16। अगर पावर सेम हो या फिर नंबर सेम हो, अगर नंबर सेम हो तो जो पावर में x या y की वैल्यू होती है वो इधर जो x और y की वैल्यू होती है उसके साथ उससे आंसर निकलेगा, और अगर पावर सेम हो तो फिर ये जो उसका नीचे का नंबर है उससे आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया x और y के दोनों की वैल्यू 16 है, तो x इज इक्वल टू y और रिलेशन कांट बी इस्टेब्लिश, ये इसका आंसर होगा। ओके अब ये वाला प्रॉब्लम देखिए, एक्स रेस टू 4/5 डिवाइड बाय 1:1 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 6/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो लिख लीजिए सबसे पहले, तो इसको फॉर्मेट में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कर सकते हो आप अगर आप एकदम मतलब अच्छी प्रैक्टिस है आपकी। तो ये क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो यह आएगा एक्स रेस टू 4/5 और एक्स रेस टू 6/5 इज इक्वल टू 16 × 1:1। तो फिर ये क्या आएगा ये एक्स रेस टू 4/5 प्लस 6/5 ये इनका एडिशन हो जाएगा, तो ये आएगा 10/5 मीन्स 2 बचेगा सिर्फ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये इज इक्वल टू 16 × 1:1। तो इसका ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 16 को 121 से आपको पता ही है ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 4 × 11 इज इक्वल टू 44 प्लस। पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का आप रूट कर रहे हो तो ये सिर्फ 44 नहीं आएगा, ये प्लस माइनस 44 आएगा। ओके ये बात आप ध्यान रखिए, और ये कैसे आया वो मैं इसके पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो तो आप देख सकते हो। अगर रूट के साइन में कोई नंबर दिया गया हो तो आपको सिर्फ प्लस वाली वैल्यू देनी है लेनी है, पर अगर एक स्क्वायर या किसी भी नंबर का कोई स्क्वायर दिया हो और आप उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो तो प्लस माइनस दोनों लेनी है, यह बात आप याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए ये y रेस्ट टू 1/3 इंटू y रेस्ट टू 2/3, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम y रेस्ट टू 3/3 मीन्स सिर्फ y बचेगा, ये जो इसकी पावर है उसका एडिशन हो जाएगा y इंटू 400 इज इक्वल टू 8 इंटू y स्क्वायर, फिर क्या होगा ये y से ये y का स्क्वायर कट जाएगा, 8 से ये 50 बार कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 50। तो प्लस 44 और माइनस 44 क्या है 50 से कम है, तो फिर x इज लेस देन y, ये इसका सही जवाब आ जाएगा। ओके अब ये वाला प्रॉब्लम देखिए, ये वाला प्रॉब्लम एकदम बढ़िया है, बहुत से बच्चे एकदम टफ समझ लेते हैं इसको, पर उतना टफ ये है नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यह आएगा एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 और फिर डिवाइड में क्या आएगा
x minus 3 over x plus 5 is equal to 1 by 3. फिर ये बचेगा 2x plus 2, और इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, पहले जो x है उसका इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तो फिर ये x square plus 5x minus 3x minus 15 is equal to 1 by 3. ओके तो ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 1 है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6x plus 12, 6x plus 6 आएगा, ये इज इक्वल टू ये टर्म आ जाएगी उस वहाँ पर, तो ये जो 6 है ये 2x हो जाएगा, फिर 2x में से ये 6x अगर आप घटा दोगे ये माइनस में आ जाएगा इसमें से, तो ये क्या बचेगा माइनस 4x, और ये 6 ये इसमें से अगर माइनस करोगे तो 21 माइनस हो जाएगा, तो ये आपको क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, ये आपको मिल जाएगा, फिर दोनों अगर साइन माइनस है तो फिर क्या आएगा प्लस और एक माइनस आएगा, और 7 और 3 21 होता है, 7 इंटू 3, और इनका जो डिफरेंस है वो 4 होता है, एक प्लस और एक माइनस हो तो ये बीच वाला नंबर जो है एक्स का कोएफिशिएंट वो इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, तो 7 और माइनस 3 ये हमें एक्स की वैल्यूज़ मिल जाएगी। उसी तरह हम ये वाला भी निकाल लेंगे, ये कहेगा वाई माइनस 7 और ये माइनस है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे यहाँ पर, माइनस वाई माइनस 4, और फिर इनका अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसा हमने यहाँ पर किया, वाई स्क्वेयर माइनस 7 वाई प्लस 4 वाई माइनस 28 इज इक्वल टू क्या आएगा ये 11 बाय 30, तो ये y से y कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 11, ये 11 से कट जाएगा, सिर्फ माइनस का साइन बचेगा, तो फिर ये माइनस का साइन ये 30 को आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 7 और 4 माइनस 3y हो जाएगा वाई स्क्वेयर, और ये माइनस 28 और ये माइनस 30 है ये यहाँ पर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ प्लस 2 बचेगा। ओके तो इसमें मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 2, एडिशन आना चाहिए माइनस 3, माइनस प्लस है तो दोनों वैल्यूज़ क्या आएगी प्लस, 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 होता है, एडिशन 3 होता है, तो फिर 2 और 1 ये y की वैल्यूज़ आ गई। ओके तो 2 जो है और 1 जो है वो 7 से छोटे होते हैं पर माइनस 3 से ज़्यादा होते, तो यहाँ पर कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा, नो रिलेशन कैन बी इस्टेब्लिश, ये इसका सही जवाब है। ओके और इस तरह सा है, अगर डेसिमल का नंबर हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले देखिए कि कोई कोएफिशिएंट है क्या एक्स स्क्वायर का, अगर कोई कोएफिशिएंट हो तो अगर डायरेक्ट डिवाइड किया जा सके तो डायरेक्ट डिवाइड किया कर दीजिए, पर अगर नहीं किया जा सकता है तो फिर ये देखिए इसको आप मतलब ये हटा दीजिए, ये तो क्या करेंगे आप, ये 0.5 है तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बन जाएगा। ओके फिर 27 के फैक्टर कर लीजिए, मतलब 13.5 इंटू 2 है, तो फिर आप 27 इंटू 0.5 ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो फिर 27 के क्या फैक्टर होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू ये 0.5, तो फिर आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसका इसमें से कि जिसका जो डिफरेंस है वो
7.5 आए, क्योंकि ये माइनस माइनस है तो एक वैल्यू प्लस आएगी एक वैल्यू माइनस आएगी। अगर दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस हो तो फिर जो एडिशन है वो ये आनी चाहिए, अगर एक प्लस एक माइनस है तो ये डिफरेंस आना चाहिए। तो 3 * 9 होता है और 3 × 0.5 1.5 होता है, तो इससे तो आ ही गया, इन दोनों का डिफरेंस 7.5 होता है, तो फिर 9 और माइनस का 1.5 ये वैल्यूज आ गई। जो बड़ी है वो आपको पहले लिखनी है, ओके। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप वैसे करने जाओगे तो गड़बड़ा जाओगे, वक्त ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर ये 6.5 है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसको 6.5 से डिवाइड किया जा सकता है क्या, तो फिर इसको तो किया जा सकता है, क्योंकि 6.5 × 10 होता है, × 2 = 130 होता है, और 65 में से अगर 6.5 घटा दोगे तो वो होता है 58.5, मीन्स 9 बार डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा, y² + 9y + ये 20 आ जाएगा = 0। तो प्लस प्लस ये तो दोनों वैल्यूज़ क्या आएगी, y की माइनस में आएगी, तो ये 5 × 4 20 होता है, और 5 और 4 9 होता है, 5 और 4 ये दोनों इसकी वैल्यूज़ आ गई, और -5 और -4 -9 और -1.5 से छोटी होती है, माइनस में जो नंबर छोटा हो वो बड़ा होता है, तो ये -1.5 इन दोनों से बड़ा है, और ये तो प्लस है, ये तो बड़ा होने ही वाला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन y, ओके। तो इसी तरीके से आपको ये जो फॉर्मूले है, ये अगर आपको पता नहीं होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनइक्वालिटी में या फिर सिंप्लीफिकेशन में कभी भी आपको इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ सकती है, ओके। तो होप कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल स्टडी शार्प 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब अगली वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय।